हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाँ विश्वा, मैं 15 मिनट में फ्री हो जाऊंगी, तुम आ जाओ लेने। हाँ ये तो आई, मैं गार्गी को पार्लर लेने जा रहा हूँ। हेलो, आपको कार्ड भी भेजा था, पर अभी आप तो बड़ा आदमी हो गए, अपने गरीब की शादी में काहे को आएगा। बाकी भाभी जी कैसी है? अच्छी है, अच्छी है। और आपकी बेटी, वो भी तो शादी के लायक हो गई होगी। विश्वा, बोलो क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? बोलो, कोई भी तो नहीं है, क्या हुआ? नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर। कहते हैं ना, मौत तो आनी है, लेकिन कब कहाँ कैसे कोई बता नहीं सकता। इंसान को जितना जीना है उतना तो जिएगा ही, फिर सामने कितना बड़ा खतरा क्यों ना आए। लेकिन ये फिलॉसफी है, इस फिलॉसफी को पुलिस नहीं मान सकती। अगर जुर्म हुआ है तो उसकी जांच होगी, और विश्वा के साथ जो हुआ था वो जुर्म की दस्तक थी, कोई फिलॉसफी नहीं, क्राइम था। उसे मौत ने सामने से दस्तक दी थी, संभल जा मैं तेरे आसपास हूँ। लेकिन इतनी स्ट्रांग दस्तक के बावजूद भी इस केस में आगे क्या हुआ आप सोच भी नहीं सकते। सर, उसने सामने से गन पॉइंट की थी सर मुझ पर, वो तो उसकी गन चली नहीं और मैं बच गया, पर आँख खोली तो फिर गार्गी सामने थी सर। तुम्हें किसी पे शक? तुम्हें कौन मारना चाहता है? गार्गी के पापा। क्यों मारना चाहते हो तुम? सर वो नहीं चाहते ना कि हमारी शादी हो। सर वो हमारी कास्ट अलग है, वो आज भी ये जात पात में बिलीव करते हैं। मुझसे शादी करवाएंगे तो उनकी बिरादरी में नाक कट जाएगी। साले, तेरी औकात है मेरी लड़की से शादी करने की? तूने सोचा भी कैसे? जा कोई अपनी बिरादरी की लड़की देख और उससे शादी कर, चल। सर मैं आपसे इतनी तमीज से बात कर रहा हूँ और आप? दो कौड़ी का आदमी तू मुझे तमीज सिखाएगा? सर उन्होंने उस दिन मेरी बहुत बेइज्जती की, मुझे घर से धक्के मार कर निकाल दिया। और फिर से कभी गार्गी के आजू बाजू में दिखा ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। मैं और गार्गी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। गार्गी अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास चली आई, इसलिए सर वो मुझे मारना चाहते हैं। तुम भी वहां थी, तुमने किसी को देखा भागते हुए? नहीं सर, एक्चुअली मैंने किसी को नहीं देखा, पर जब मैं पार्लर से बाहर आई तो देखा विश्वा आंखें बंद करके खड़ा हुआ था, बहुत डरा हुआ था। इसी ने मुझे बताया कि कोई इसे गोली मारने वाला था। जिसने तुम पे गन तानी थी वो तुमसे कितनी दूरी पे था? 3-4 फीट दूर होगा। मतलब तुमने उसे देखा होगा, मधुकर था? सर मैं बहुत ज्यादा डर गया था तो आंखें बंद थी तो देखा नहीं मैंने। मतलब तुम दोनों में से किसी ने किलर को नहीं देखा? शिरके, पार्लर के आसपास का सीसीटीवी फुटेज चेक करो और आसपास पूछताछ भी करो किसी ने कुछ देखा क्या। ठीक है सर।
अरे इसमें तो कोई किलर नहीं दिख रहा है, आसपास पूछताछ भी की, वहां भी कोई सस्पिशियस आदमी नहीं दिखा। आई शपथ सर, एक आदमी आया था मुझे गोली मारने की कोशिश की सर उसने, मैं सच बोल रहा हूँ सर। सर आप दूसरे कैमरे में चेक कीजिए ना सर, उसमें जरूर दिखेगा सर। दूसरा कैमरा होगा तो देखेंगे ना सर, पार्लर के पास केवल एक ही कैमरा था। अरे तुम तो बोल रहे थे 3 फुट की दूरी पे था किलर, फिर दिखना चाहिए ना इसमें। सर हो सकता है मेरे दूरी का आइडिया थोड़ा गलत हो, 3-4 ना हो, 5-6 हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है सर। मैं सच बोल रहा हूँ सर, आप बिलीव कीजिए सर। सर ये पहली बार नहीं हुआ ऐसा, इससे पहले भी मुझ पर हमला हो चुका है। सर मैंने गार्गी को भी ये नहीं बताया था, मुझे लगा तुम बेकार में घबरा जाओगी। तो इससे पहले क्या हुआ था? सर ये लगभग 3 हफ्ते पहले की बात है, मैं अपने एक दोस्त से मिलकर वापस आ रहा था तो देखा कि सर उस दिन तो मुझे खुद डाउट हुआ, मुझे लगा शायद मुझे ही ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे मारने आ रहा है। लेकिन सर कल के अटैक के बाद मैं श्योर हो गया, गार्गी के पापा ने ही हमला करवाया है ताकि मैं गार्गी से शादी ना कर पाऊँ। शादी ना कर पाऊँ? मतलब तुम्हारी शादी नहीं हुई? नहीं सर, लेकिन 5-6 दिन में करने वाले हैं। इनफैक्ट 2 दिन बाद हमारी प्री वेडिंग वीडियो शूट होने वाली है। मतलब गार्गी बिना शादी के तुम्हारे साथ रहती है? सर वो मेरे घर में रहती है, मेरे कमरे में नहीं, वो आई के साथ आई के कमरे में रहती है। सर वो मेरे लिए अपना घर बार छोड़ कर आई है, मैं क्या करता सर, होटल में तो नहीं रख सकता ना। सर हमने कुछ गलत काम नहीं किया? हाँ सर, मुझे विश्वा पे पूरा भरोसा था, इसलिए बिना सोचे समझे घर छोड़कर आ गई। लेकिन इसने भी कभी मेरा कोई गलत फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। ठीक है तुम लोग जाओ, हम लोग देखते क्या कर सकते हैं। जरा संभल के रहना, आसपास नजर रखना, कुछ खतरा दिखाई दे तो तुरंत हमें इन्फॉर्म करो। जाओ शिरके, एक काम करो। चाय बोल दूं? हाँ बोल दो, डबल शक्कर। उसके बाद में ये गार्गी के बाप से जरा पूछताछ करो। मैं क्यों हमला करूं? मेरा स्टेटस देख रहे हो तुम? उस 2 कौड़ी के लड़के के ऊपर मैं क्यों हमला करूं? हमने कब कहा कि आपने हमला किया? हो सकता है किसी के थ्रू करवाया। मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और वैसे भी मेरी बेटी मर चुकी है मेरे लिए, वो जहाँ चाहे वहाँ जाए। आओ असका बोल रहे ले तुम्हें, गार्गी हमारी इकलौती बेटी है और आप उसके बारे में ऐसा सोच कैसे सकते हैं? बरोबर बोलिस तू, इकलौती बेटी, वही गलती की हमने, दूसरा बच्चा होने नहीं दिया। सोचा था लड़की है तो क्या हुआ, बेटे जैसा पालेंगे उसे, बड़ी होगी मेरा बिजनेस संभालेगी। लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा अपने बारे में, उस नालायक के साथ शादी करने के लिए भाग गई। देखिए मैं इतना जानना चाहता हूँ कि कल दोपहर 12। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं, मेरी पहुंच मालूम नहीं है तुम्हें। अगर एक फोन करो ना तो तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे। मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूँ कि कल दोपहर 12 बजे आप कहाँ थे? वर्धा में था मैं, 10 बजे से 11:30 बजे तक मेरा पुराना पड़ोसी अरुण घाड़गी के साथ था, 12 बजे विलास भवन की टपरी पे चाय पीने गया था। जब भी वर्धा जाता हूँ उसके यहाँ चाय पीने जाता हूँ मैं, बहुत पसंद है मुझे। अरे हाँ उसके साथ सेल्फी भी निकाली है मैंने, ये देखो। सर ये मधुकर के पास तो सबूत के साथ साथ लंबा चौड़ा अली भी है। सर मुझे नहीं लगता कि हमला उसने करवाया होगा। शिरके सबूत के साथ मतलब चोर के दाढ़ी में तिनका भी हो सकता है ना, और मधुकर जानबूझ के ऐसा अलिबाई बना रहा होगा, और विश्वा तो कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है उसके ऊपर हमला हुआ है, और वो मधुकर कर सकता है। गार्गी के पापा ने ही हमला करवाया है। अगर हम सोचे कि विश्वा झूठ बोल रहा है तो ऐसा क्यों करेगा?
कहाँ है, कैब आई नहीं अभी तक। रुको रुको, आ गई। आप लोग बैठो, मैं बंद करके आता हूँ। मुझे शॉपिंग की लिस्ट थी वो ले ली ना आपने। हे भगवान, गाड़ी साइड में रोक दो। ये गाड़ी रुक गई। क्या पता यार, क्या हुआ आई? मैं अपना पर्स भूल गई, अभी लाती हूँ। तो रुक, मैं लेकर आता हूँ। वापस क्यों आ रहे? देख देख, जाके देख। अरे लाओ, आ रहा है वो। आ रहा है। ए पकड़ पकड़। चलो पुलिस स्टेशन चलो जल्दी। क्या हुआ? किडनैप करने की कोशिश की है मुझे। क्या? तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो यार? चलो ना पुलिस स्टेशन लो। और सर उसके बाद मैं भाग के आके गाड़ी में बैठ गया और फिर हम सीधा यहाँ पर आ गए सर। आप लोगों ने भी देखा? नहीं, मैं तो गाड़ी में बैठी थी और सामने देख रही थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं देखा। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो विश्वा आराम से चलकर आ रहा था। मैंने आई को बताया कि वो पर्स लेकर आ रहा है, पर कुछ सेकंड बाद वो भाग कर आया और बोला कि किसी ने उसे किडनैप करने की कोशिश की। पर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं झूठ बोल रहा हूँ सर? आप इसकी बात मत सुनिए, मुझे पता है तुम झूठ क्यों बोल रही हो। तुम अपने पापा से मिली हुई ना? पापा से मिली होती तो तुम्हारे साथ नहीं रह रही होती और ना ही तुमसे शादी करी होती। मैंने तुम्हारे सब कुछ छोड़ दिया तुम होगी। तो मुझे झूठा साबित करने के लिए सब कुछ छोड़ा है क्या? अरे बाबनो शांति। अच्छा विश्वा, तुम फिर से पर्स लेने घर की तरफ गए थे तो उस वक्त तो दोनों वहां थे? सर मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब मैं वापस आ रहा था तो दो लोगों ने गोली डालकर मुझे गाड़ी में ढकेलने की कोशिश की। तो इस वक्त भी तुम्हारी आंखें बंद थी? नहीं नहीं सर, मैंने देखा उनको। स्केच बनवा सकते हो? हाँ। पवार या स्केच आर्टिस्ट कर घेऊन जा, जा इनके साथ। सर शिरके सर गार्गी के साथ जो स्पॉट पे, देखो कुछ मिलता है। सर यहाँ पे? हाँ, यहीं पे हमारी गाड़ी आके रुकी थी और वो वहां से पर्स लेकर आए थे। साहब तुम कितने बजे आए ड्यूटी पे? सुबह 9 बजे आया साहब। अच्छा 12 बजे के आसपास इस एरिया में दो लड़कों ने एक लड़के को किडनैप करने की कोशिश की, तुमने देखा उन्हें? जी नहीं साहब, मैं तो सुबह 9 बजे से यहाँ पे हूँ, लेकिन मैंने तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं देखा। अच्छा इस एरिया में इस कैमरे के अलावा और भी कोई सीसीटीवी कैमरा है? जी नहीं सर, यही एक कैमरा है। चल नंदर कर तो फोन। सर ये रहा स्केच। सर यही दोनों लोग थे। सर जहाँ विश्वा को किडनैप करने की कोशिश की गई थी ये वहाँ का सीसीटीवी फुटेज है, बट सर प्रॉब्लम यह है कि इस फुटेज में ना तो कोई किडनैपर दिख रहा है और ना ही कोई वैन लगा। हाँ सर यही तो हमारी कैब है सर, उन लोगों की गाड़ी काफी पीछे थी, शायद इसलिए नहीं दिख रही है। शिरके वो लेन में दूसरा सीसीटीवी नहीं था? नहीं सर, उस लेन में केवल ये एक ही कैमरा है। ठीक है आप जाइए घर पे, हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कार किसकी थी और एक किडनैपर कौन है। सर मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, मुझ पे 3 बार हमला हो चुका है, 2 बार कंप्लेन भी कर चुका हूँ। नहीं हम आपको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे सकते क्योंकि अभी तक ये साबित नहीं हुआ है आपके ऊपर हमला हो रहा है। हमें देखने दो, सोचते हम। आप घर जाइए और जरा ध्यान से रहिए। जाइए शिरके सर, ये बाकी पुलिस स्टेशन में भेज दो और देखो कौन है दोनों, और वो कार का भी पता लगाने की कोशिश करो। ठीक है सर।
विश्वा। हाँ बेटा, तेरे से कुछ बात करनी थी। अभी नहीं माँ, अभी मैं बिजी हूँ। देख रही हो ना, सीसीटीवी कैमरा लगवा रहा हूँ। एक तो वो पुलिस सेफ्टी के लिए गन नहीं दे रही है, ये सीसीटीवी कैमरा लगाऊंगा, थोड़ी सेफ्टी तो हो ही जाएगी। विश्वा, वो बाहर खड़ा है, एक बार तो उससे मिल ले। अपनों से दुश्मनी क्यों ले रहा है तू? एक मिनट, तुझे कैसे मालूम वो बाहर खड़ा है? उसने फोन करके बताया मेरे को। मतलब तू अभी भी उससे बात करती है? तो क्या करूं, तेरे जैसे बन जाऊं जिसे खुद के और खुद के शादी के अलावा और कुछ दिखता नहीं? देख विश्वा, तू उसे वापस ले ले, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ विश्वा, कुछ टेंशन है क्या? नहीं कुछ नहीं है। पर अभी जब मैं आई तो तुम लोग कुछ बात कर रहे थे ना, क्या हुआ? हर बात जाननी जरूरी है क्या? जाओ ना अपना काम करो। नहीं पीनी चाहिए, जाओ ले जाओ। और आई, उससे कह देना मेरे सामने ना आए। ये विश्वा का केस मुझे बहुत डाउटफुल लग रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा। और ये मधुकर में बहुत आकड़ है पैसों की, इतना मोटिव काफी है मारने के लिए। हाँ सर, वैसे भी मधुकर हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। एक काम करो, सीडीआर निकालो उसका, देखो कुछ क्लू मिलता है क्या। सर मुझे नहीं लगता उसके सीडीआर में कुछ मिलेगा, और खुद से तो वो बोलने से रहा। उसका मोटिव ढूंढने के लिए हमें दूसरा रूट पकड़ना होगा। लेकिन क्या हो सकता है वो? एक मिनट सर, उस दिन जब मैं मधुकर के घर गया था तो उसकी बीबी मेघा वो बच्ची को लेके काफी रो रही थी, और मधुकर उसे डांट भी रहा था, लेकिन वो चुपचाप कोने में खड़ी थी। मुझे लगता है कि ये मेघा दूसरा रास्ता हो सकती है। नमस्ते, बात करनी है आपसे। कौन है आप? और मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर, इन्हें तो जानती हैं आप। विश्वा के बारे में बात करनी थी। देखिए, पिछले महीने में 3 बार उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। उसके ऊपर हमला मतलब आपके बेटी को भी तकलीफ है ना? किसी के लिए नहीं, आपके बेटी के लिए कुछ बताएंगे आप? आपको पता है विश्वा और गार्गी शादी कर रहे हैं। गार्गी घर पे आई थी अपनी शादी का कार्ड लेकर, मुझे और अपने बाबा को शादी में आने के लिए बोलने आई थी। चाहा, आई, ये मेरी शादी का कार्ड है, सुंदर है ना? हाँ कवाई, खूब चांद। बाबा, ये क्या किया आपने? ये मेरी शादी का कार्ड था जिसे आपने। शादी? अब तू मरेगी भी तो कोई नहीं आएगा इस घर से, क्योंकि तेरा इस घर से कोई लेना देना नहीं है। तू शादी कर उस कमीनी के साथ, देख क्या करूंगा मैं। जो इज्जत गई ना उसके वजह से मेरी, छोड़ूंगा नहीं उसे, बदला लूंगा उसका। मधुकर ने बोला वो उसका बदला लेगा? बहुत गुस्सा है वो विश्वास से। मैंने उनको सच में समझाने की बहुत कोशिश की, एक ही बेटी है हमारी, हमारे बाद सब कुछ उन्हीं का तो है, वो और दामाद मिलके पूरा बिजनेस संभाल लेंगे, मगर वो सुनते ही नहीं है। मुझे कहा सब कुछ दान कर दूंगा। ये केस बड़ा अजीब था, सबूतों की कमी और लोगों के बयान ने हमें कंफ्यूज कर दिया था। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। विश्वा का कहना था कि उसके ऊपर अटैक हो रहा है, लेकिन वो सच बोल रहा है इसका कोई सबूत हमारे पास नहीं था। यहाँ तक कि उसकी होने वाली बीवी गार्गी हर हमले के वक्त उसके साथ थी, लेकिन वो भी इस हमले की बात को इनकार कर रही थी। हमारी मेधा से जब बात हुई तो एक दूसरा एंगल सामने आया, कहीं विश्वा खुद का बदला लेने के लिए जानबूझकर मधुकर पाटिल को फंसा तो नहीं रहा। इस लव स्टोरी में लव से ज्यादा बदला, लालच और गुस्सा दिखाई दे रहा था, और यही होने वाले जुर्म की दस्तक थी जिसे हम रोकने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, शादी की तैयारी में अभी क्या क्या बाकी है? सिर्फ शादी करना बाकी, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? आइए ना, आई सब संभाल लेंगे। रिक्शा? एक मिनट, रिक्शा क्यों? एसी कैब से जाएंगे, मैं अपनी होने वाली दुल्हन को एसी कैब से लेके जाऊंगा, और जिंदगी भर कोशिश करूंगा कि कोई परेशानी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है,
मेरा बेटा दूल्हा बनने वाला था, हमारे घर में खुशी आने वाली थी, लेकिन गार्गी मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन अगर हमें कातिल तक पहुंचना है तो कुछ सवाल मुझे तुमसे पूछने होंगे। गोली चलाने वाले को देखा आपने? उसने हेलमेट पहना हुआ था। तुम दोनों हॉस्पिटल जाने वाले थे, किस किस को पता था? विश्व और उसकी आई को। इसके अलावा किसी को पता नहीं था? मेरी आई को। इनफैक्ट वो आने भी वाली थी पर पापा ने उन्हें आने नहीं दिया। मतलब तुम्हारे पापा को पता था? सर ये रहा विश्व का मोबाइल, यहां पे इस पे 3 गोली फायर हुई थी। शिर्के सर ये सीसीटीवी फुटेज निकालो और ये मधुकर सावंत का मोबाइल रिकॉर्ड और लोकेशन चेक करो। देखो उसने किसी हिस्ट्री शीटर या सुपारी लेने वाले को कांटेक्ट किया था क्या? सच और झूठ का पता ऐसा लगा कि विश्वा की जान चली गई। मेरे पूरे करियर में इतना अफसोस मुझे कभी नहीं हुआ था। मेरी पूरी थ्योरी गलत साबित हो गई क्योंकि शादी के एक दिन पहले विश्वा का मर्डर हो गया। सिर्फ एक आदमी ये शादी किसी भी कीमत पर रोकना चाहता था और वो था गार्गी का बाप मधुकर पाटिल। मैं तो कल नासिक में था। कितने बजे गए थे? 10 बजे। बिल्डर्स बॉडी की मीटिंग थी तो जल्दी निकल पड़ा। बाद में 2 बजे कुलकर्णी के होटल में पाव भाजी खा ली। उसके बाद मेरा एक बहुत पुराना दोस्त मिल गया, अपना बिलिंग इंगड़े। अरे क्या पुरानी बातें, पुरानी यादें, टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। उसके साथ मैंने सेल्फी भी निकाली एक। ये देखो। फिर क्या उसने फोर्स किया मुझे रुकने के लिए, दो दो ड्रिंक लिया हमने, और वैसे भी रात को ट्रैवल करना अवॉइड करता हूँ तो रुक गया। और बस अभी पहुँच रहा हूँ, चाहे तो आप मेघा से पूछ लो। मेघा साल ना आपको सेल्फी निकालने का बहुत शौक है। और कमाल है तुम्हें प्रत्येक गोष्ट कितनी डिटेल मध्ये लक्ष्य ठेवता। नहीं, ध्यान में रखने की कोई जरूरत नहीं होती, मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, सब याद रहता है मुझे। नहीं आपकी मेमोरी नेचुरल है या बनाई गई है ये तो सब पता करेंगे आप। अरे खा लूंगा बाबा खाना, इंपॉर्टेंट केस है, एक लड़के की जान गई और तुम्हें मेरे खाने की पड़ी है। तुम फोन रखो, फोन ठेव, नंतर फोन कर दो। चल सर ये हॉस्पिटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज लगा। ये देखिए सर, किलर ने हेलमेट पहना हुआ है और ये इसकी बाइक, इस पर नंबर प्लेट ही नहीं है। चलिए जिस तरह से मारा है ना, ये कंफर्म सुपर है, किलर है। सर विश्वा की बीएम रिपोर्ट, विश्वा को मारने के लिए पिस्टल का यूज किया गया है, पूरा 3 राउंड फायर हुआ है। सर जिस तरह से विश्वा को गोलियां मारी गई थी, मतलब सर ये बात कंफर्म है कि किलर विश्वा को जिंदा छोड़ने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। एक काम करो, अपने खबरों को काम पे लगा और देखो यहाँ पे कितने लीगल और इलीगल गन सप्लायर है। गन कब बेचा था? 10 दिन पहले। इन दोनों को देख, इनमें से किसी को बेची थी? नहीं साहब, इन दोनों में से कोई भी नहीं साहब। वो बड़ा अजब सा आदमी था साहब, इसीलिए ना मेरे को याद है। 2 दिन बाद आया गन लेकर, बोला ना गन जाम हो गई, मेरे को मेरा पैसा वापस दो, और साहब उसने ज़बरदस्ती पैसा भी ले लिया था। तेरे गन की गोली यूज़ हुई थी? नहीं साहब। मतलब उसने तुम्हारी गन यूज़ नहीं की? क्या मालूम साहब, वैसे वो अपनी ही गोली डालने वाला था, यूज़ करके मेरे को वापस दे दिया होगा। आजकल ना साहब ऐसा बहुत चल रहा है धंधे में ना, ईमानदारी रही नहीं साहब, पहले जैसा ना साहब इस धंधे में मजा ही नहीं है। तू क्या समाज सेवा करता है क्या?
कमाल है, देखा शिरके, ये गन सप्लायर है लेकिन बेईमानी के धंधे में भी ईमानदारी पे रो रहा है। सर हो सकता है कि सच बोल रहा हूँ, मतलब गन वाकई जाम हो गई हो और मर्डर करने वाले ने किसी और से गन खरीदी हो। साला, हम कुछ नहीं सुनना चाहते और यहाँ वहां का बात तो बिल्कुल भी नहीं सुनना है। तुमने जो कट्टा दिया था ना, फंस गया था बीच में। बिहार जाके दूसरा पिस्तौल लाए तब जाके काम पूरा हुआ तुम्हारा। और एक बात बताएं, भीख नहीं मांग रहे तुमसे, मेहनत का पैसा मांग रहे हैं हम। गांव से फोन आ रहा है बार बार पैसा के लिए, कुछ करिए जल्दी। हेलो, हाँ साहब, आपका काम हो गया है, अभी जल्दी से पैसा भिजवा दीजिए। अरे इधर ये लोग मेरी जान खा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ठीक ठीक है सर, ठीक है। सुन, अभी तू फटाफट बिहार निकल, 2 या 3 दिन के अंदर पैसा तेरे पास पहुंच जाएगा। क्या? अच्छा ठीक है, ओके। सर, मधुकर के फोन रिकॉर्ड में ना तो किसी हिस्ट्री शीटर का नंबर मिला है और ना ही किसी सुपारी किलर का। और सर, उसके फोन लोकेशन के हिसाब से जिस दिन विश्वा का मर्डर हुआ, मधुकर की लोकेशन नासिक की है। शिरके, ये मधुकर बहुत शाना है, पहले से सब तैयारी करके रखता है, देखते कब तक बचता है। शादी के एक दिन पहले अब मैटरनिटी हॉस्पिटल में क्या कर रही थी? चेकअप के लिए। कैसा? मैं प्रेग्नेंट हूँ। एक मिनट, ये मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस की रसीद है जो हमने उस दिन अप्लाई किया था। आपके प्रेगनेंसी के बारे में किस किस को पता है? मेरे और विश्वा, हम दोनों की आई को। मतलब ये बात तुम्हारे पिताजी को भी पता थी और शायद इस चीज का बदला लेने के लिए उन्होंने विश्वा को खत्म किया। हाँ साहब, एक आदमी हमारे घर पे नजर रख रहा था, मैंने देखा था। मैंने इस बारे में विश्वा को नहीं बताया, सोचा 2 दिन बाद उसकी शादी है, खुशी का दिन है, ये सब उसे बताऊंगी तो खामखा परेशान हो जाएगा। इसको ज़ूम करो। कौन है ये आदमी शिरके? क्या इसी ने विश्वा पर पार्लर के बाहर हमला किया था? लेकिन सर, किडनैपिंग में तो 2 लोग इन्वॉल्व हैं। ये यहाँ फुटेज में केवल एक ही आदमी दिख रहा है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये विश्वा हमसे झूठ बोल रहा था? क्योंकि इसके पहले वाली फुटेज में हमें कोई आदमी नहीं दिखा। नहीं, अगर विश्वा हमसे सच बोल रहा था तो चाकू वाले हमले में 2 आदमी थे। सच क्या है समझ में नहीं आ रहा है, 1 आदमी था या 2? विश्वा की माँ के बयान के बाद हमने हर दिन का सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो हमें एक सस्पिशियस आदमी नजर आया। उसके बारे में हमने जब पूछताछ की तो पता चला कि विश्वा का छोटा भाई विजय है जो ड्रग पेडलिंग केस में जेल काट रहा है, और जिस वक्त विश्वा का मर्डर हुआ उस वक्त उसका पैरोल खत्म होने के बावजूद भी ये बाहर है और अपने फैमिली से मिलने भी नहीं गया। ये बात हमें खटक रही थी और इसलिए हमने उसे ढूंढने का और उसके माँ के साथ बात करने का डिसीजन लिया। नहीं साहब, विजय यहाँ कभी नहीं आया, मैंने तो उसे कब से नहीं देखा। ये 15 दिनों में उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की? नहीं नहीं। ये आपका फोन रिकॉर्ड ये कुछ और ही बता रहा है, गार्गी और विश्वा के अलावा और एक नंबर के साथ आप बहुत टाइम बात करती थी। अब ये कौन है आप बताएंगी या हम बताएं? हाँ साहब, ये विजय का ही नंबर है। गुड। वो कभी कभी फोन करता था, मैं बात करती थी उससे, बेटा है मेरा।
मतलब विश्वा उस दिन जब कैमरा लगवा रहा था तो आप दोनों इसके बारे में बात कर रहे थे? हाँ। विश्वा विजय से मिलना तो क्या, उसे देखना भी नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि विजय ड्रग्स का धंधा करता था, इसी वजह से उसे जेल भी हुई थी। मैंने कितने हाथ पैर जोड़े विश्वा के, अपने छोटे भाई को छुड़ा ले, उसकी जिंदगी सवर जाएगी, लेकिन वो नहीं माना। उसने कहा कि ड्रग्स का धंधा करने वाले से उसे कोई रिश्ता नहीं रखना। साहब, मैं एक बेटा खो चुकी हूँ, दूसरे को नहीं खोना चाहती, इसलिए जब भी वो फोन करता है मैं उससे बात करती हूँ। विजय अभी कहाँ है? अंतिम संस्कार के दिन मैं वही खड़ा था, दूर से ही खड़े होकर देख रहा था साहब, बड़े भाई को कंधा तक नहीं दे पाया। दुखी था या खुश था? जिसने तेरी मदद नहीं की उसको मार डाला, और इसलिए पैरोल खत्म होने के बाद भी तो अंदर नहीं गया। भाई था वो मेरा, मैं क्यों मारूं उसे? मुझे नहीं पता साहब उसे किसने मारा। वो तो पता कर लेंगे हम। इसी को गन बेची थी ना तूने? नहीं साहब, ये वो नहीं है। साहब अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना, मैंने नहीं मारा दादा को। तेरे को बहुत जल्दी है रे बेगुनाह साबित होने की। हाँ, इससे नहीं दूसरे से ली होगी गन तूने, इसको भी अंदर डालो। चल। दो नंबर में से पहला नंबर नासिक में एक्टिव हुआ और उसके बाद दूसरा नंबर नागपुर में एक्टिव हुआ, लेकिन जैसे ही सर विश्वा ने जिन दोनों का स्केच बनवाया था उनकी पहचान हो गई है। बीकू और मन्या नाम है इनका, एक नंबर के अटल बेवड़े है सर। मतलब विश्वा सच बोल रहा था, पता करो ये दोनों कहाँ है। सर हमारी कोशिश तो जारी है लेकिन ये दोनों रडार से बाहर है सर। तो रडार में लेके आओ, समझे? सर एक काम करो, अपने खबरियों की तरफ से मार्केट में एक अफवाह फैला दो 25 लाख की सुपारी की। सर सिरके जैसे चाय के ग्लास की तरफ मक्खी अपने आप आ जाती है ना, वैसे ये दोनों अपने आप आ जाएंगे रडार में, समझे? जाओ सर, उकाला पिया करो, दिमाग की बत्ती चलेगी। मुजरिम को पकड़ने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, हमने भी पुलिस होकर भी सुपारी की झूठी खबर मार्केट में फैला दी और ये ट्रिक काम कर गई। अगले दो दिनों में बीकू और मन्या ने हमारा खबरी राशिद को कांटेक्ट किया सुपारी लेने के लिए, हमने भी राशिद के थ्रू एडवांस लेने के लिए उन्हें सुनसान जगह पे बुलाया। अरे राशिद भाई नहीं आया अभी तक। ये राशिद भाई ने, रुक फोन करता हूँ। हाँ राशिद, अरे अपन लोग पहुंच गए इधर, तू किधर है? ए बीकू पुलिस भाग, देरी के तो विश्व क्यों मारा, किसने सुपारी दी थी? साहब हमने खाली उसका किडनैपिंग का सुपारी लिया था, 50,000 एडवांस दिया था। साहब दारू जरा ज्यादा हो गया, इसके लिए गड़बड़ हो गया। अरे राम कहानी बस हो गई, सुपारी किसने दी थी? साहब फरहान ने दिया था सुपारी। साहब 1 करोड़ का सुपारी दिया था विश्वा को टपकाने के लिए, बिहार का एक शूटर है बंटी यादव, उसी ने टपकाया। ये बंटी यादव? हाँ। तेरे पास शूटर था तो फिर किडनैप क्यों करवा रहा था? साहब बंटी ने कोशिश किया था एक बार ब्यूटी पार्लर के बाहर उसको टपकाने का, फिर बंटी अपने गांव चला गया और पार्टी को उसको टपकाने का जल्दी था, इसके वास्ते फिर मैं बीकू और मनिया को भेजा उसको उठाने के लिए। नहीं मरवाने की जल्दी थी तो फिर उठाने क्यों भेजा था? सब पार्टी नहीं ऐसा बोला था, पर वो बेवड़े लोग से काम हुआ नहीं, फिर तब तक बंटी गांव से वापस आ गया था 6 राउंड पिस्टल लेकर, फिर अपन बंटी को विश्वा के घर भेजा उसको टपकाने के लिए, पर वहाँ बंटी का लोचा हो गया विश्वा की माँ के साथ। अभी पार्टी का प्रेशर था और मार्केट में अपन की भी बदनामी हो रही थी, फिर इसके वास्ते अगले ही दिन अपन हॉस्पिटल के बाहर
उसको ठुकवा दिया। अब चलिए बता कि जो दो लोग विश्वा पर चाकू से हमला करने वाले थे। साहब आपको तो मालूम है अब उनके धंधे में चाकू छुरी का खेल तो है ही नहीं, सुमड़ी में काम करने का। अभी कौन चाकू मारा, कौन आया, कब आया, किधर से आया, सब कसम से अब उनको कुछ नहीं मालूम। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछ। क्या क्या सुपारी किसने दी तेरे को? साहब ये तो मालूम नहीं मेरे को, क्योंकि हम लोग का जितना भी टाइम बात हुआ सिर्फ फोन पे हुआ, और वो फोन भी पार्टी ने दिया था। काम खत्म हुआ, पैसा आया, उसके बाद उसने अपना भी मोबाइल तोड़ दिया और मेरा भी। तू विट्ठल सावन के लिए काम करता है ना, कहीं उसने तो नहीं दी है सुपारी? साहब अपुन को जो कुछ भी पता था सब बता दिया साहब, सब पार्टी को अपन देखा ही नहीं साहब। कर दे या लाद गया, सेवा कर रहे जी, जो पर्यंत नाव घेतने तो पर्यंत। चल उठ फट, सब कुछ बताया साहब, कुछ नहीं छुपाया साहब। चल साहब अपुन को जो भी पता। शिरके ये तो पता चला कि ये विट्ठल सावंत के लिए छोटा मोटा काम करता था, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है विट्ठल सावंत विश्वा को क्यों मरवाना चाहता था, जरा पता करो। ठीक है सर। हाँ हो चल कर, तो नंतर फोन कर दो। चल प्रत्येक सर खबरियों से पता चला है कि गार्गी के पहले विश्वा का अफेयर किसी निकिता नाम की लड़की से था, और सर उस दौरान ये निकिता प्रेग्नेंट भी हो गई थी। सर ये निकिता विट्ठल सावंत की बेटी है, ये दोनों एक साथ कॉलेज में ही पढ़ते थे, और जब ये बात विट्ठल सावंत को पता चली तो उसने जबरदस्ती निकिता का अबॉर्शन करवा दिया और मुंबई में किसी लड़के से उसकी शादी करा दी। एक महीने बाद उसका डिवोर्स हो गया और वापस घर आ गई। अच्छा शिरके वैसे भी जबरदस्ती की शादी ज्यादा दिन नहीं चलती, और यहां तो निकिता का अफेयर और बच्चा, ऐसे दोनों सदमे थे। उसे एक ना एक दिन घर आना ही था, और इसी बात का विट्ठल को गुस्सा आया होगा, और उसने सोचा होगा कि यह सब कुछ विश्वा की वजह से हो रहा है, और इसीलिए उसने फरहान को विश्वा की सुपारी दी। इसे जानती हैं? देखा है? नहीं सर। और विट्ठल सावंत को जानती है? लीडर विट्ठल सावंत, उसके बारे में बस इतना ही पता है कि वो कोई लीडर है। सरिता जी शायद आप कुछ जानती है। हाँ बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं उस विट्ठल सावंत को, एक नंबर का कमीना। पर आप कैसे जानती हैं उसे? तेरे से पहले विश्वा उसकी बेटी निकिता से प्यार करता था, दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे, एक दूसरे को बहुत चाहते थे दोनों। फिर अलग क्यों हुए? मालूम नहीं, विश्वा ने कभी बताया नहीं, पर अलग होने के बाद भी बहुत दिनों तक इस सावंत ने हम लोगों को बहुत परेशान किया। शिंदे सर ये विट्ठल सावंत और उसकी बेटी के बारे में पता करो। ठीक है सर। ये थोड़ा चटक कलर दिखाइए ना, थोड़ा तड़कता भड़कता। जो रंग तुझे चाहिए वो ये नहीं दिखा सकते, चल हम दिखाते। अरे नागपुर के विश्वजीत भालेराव मर्डर केस में हम तुझे अरेस्ट करते हैं। चल रही लो खड़ा खड़ा हो। तेरे एक अच्छी खबर, बंटी अरेस्ट हो गया, अभी हमें पहुंचना है सुपरी देने वाले तक। मुझे मालूम है तेरे को उसका नाम पता है, लेकिन तू बोलेगा नहीं क्योंकि उसका नमक खाया है तूने। अच्छी बात है, लेकिन हाँ मैं मुंडी तो हिला सकता है। देख क्या होगा, तू और बंटी सड़ोगे मर्डर के केस में जेल में, और जिसने सुपारी दी वो बचेगा। तेरे को सुपारी विट्ठल सावंत ने दी थी ना? अच्छा बच्चा चलो जनता के सेवक को मिल के आते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पे ऐसे गंदे इल्जाम लगाने की? पता भी है किससे बात कर रहे हो तुम? ये जो इतने साल ड्यूटी करके जो सितारे कमाए ना इधर वर्दी पे, एक मिनट में उतरवा दूंगा। एक आवाज पर हजारों सपोर्टर्स यहां पे खड़े हो सकते हैं, समझे? सर ये जो सितारे मिले ना, ये मुझे मेहनत और ईमानदारी से मिले, किसी की चापलूसी करके नहीं। और रही बात तुम्हारे सपोर्टर्स की, तो उसमें से एक हमारा मेहमान है फरहान। आप
आपके सारे कारनामों के कच्चे चिट्ठे पड़े हैं उसने। बकवास कर रहा है वो, वही सुपारी व्यापारी नहीं दी मैंने उसको, छोटे मोटे काम करवाता हूँ उससे बस इतना ही। हाँ विश्वा का मर्डर भी आपके लिए कहाँ बड़ा काम था, छोटा ही तो काम था। आपकी बेटी निकिता की भलाई के लिए तो किया आपने उसका मर्डर। अच्छा ये खुशखबरी आपने अपने बेटे को बताई है? नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो सर, चलो हम बता देते हैं। चलो रुकिए, वो पहले से दुखी है, उसे परेशान मत कीजिए अभी। तो अब मानते हैं आपने विश्वा का मर्डर किया। हाँ दी मैंने उसकी सुपारी, लेकिन मेरे खुद के लिए नहीं, मधुकर पाटिल के लिए। उसे पता चल गया था निकिता और विश्वा के बारे में, वो नहीं चाहता था उसकी बेटी की शादी हो विश्वा से हो। उसके सुपारी के लिए मुझे कांटेक्ट कर रहा था, मुझे भी उससे बदला लेना था। मैंने सोचा चलो उसके पैसे से अपना काम हो रहा है तो क्या हर्ज है, दे दी मैंने सुपारी फरहान को। आपके साथ जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आपको पहले से पता है कि गलत कौन है लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे? इस केस में हमारे साथ यही हो रहा था। लेकिन एक बात बताऊं, कातिल कितनी भी कोशिश क्यों ना करे वो परफेक्ट क्राइम कभी नहीं कर सकता। सर मधुकर पाटिल के बैंक स्टेटमेंट है। सर अगर इसे ध्यान से देखें तो जिस दिन पार्लर के बाहर विश्वा पर हमला हुआ उस दिन से 50 दिन पहले तक लगभग रोज उसके अकाउंट से 1,00,000 रुपए कैश निकाला गया, ये देखिए सर। और सर अगर सैटरडे संडे को हटा दें तो इन 50 दिनों में 40,00,000 रुपए निकाले गए। और सुपारी का एडवांस भी 40,00,000 था। हाँ दी थी मैंने सुपारी, उस साले ने गार्गी का दिमाग खराब कर दिया था, तभी मैं समझा कि इसे मारने के लिए मुझे प्रोफेशनल किलर की जरूरत पड़ेगी और मैंने विट्ठल से मदद मांगी। वो बोला काम तो हो जाएगा लेकिन 1,00,000,000 रुपया लगेगा। मैंने डन कर दिया क्योंकि उस कमीने को मारने के लिए तो मेरी पूरी दौलत लुटा देता। सिर्फ एक शर्त थी, उसे मारने का वीडियो रिकॉर्ड हो, क्योंकि जिस तरह उसने अपना प्री वेडिंग वीडियो ऑनलाइन डाला था मैं भी वो वीडियो डालूं ताकि लोगों को पता चले कि उस कमीने का क्या हाल हुआ है। क्या फायदा हुआ हाल तो आपके भी अच्छे नहीं होने वाले, सड़ोगे जिंदगी भर जेल में। अरे साहब उसका तो मुझे कोई दुख नहीं है क्योंकि गार्गी तो फ्री हो गई, आज नहीं तो कल मेरा बिजनेस संभालेगी। उस कमीने के मरने के बाद तो उसके घर में नहीं पड़ी रहेगी ना। मधुकर विट्ठल फरहान और बंटी इनको उम्र कैद की सजा हुई। सच देखा जाए तो विश्वा की जान बेमतलब की नफरत और गुस्से की वजह से गई थी। और बहुत बुरा लगता है कि आज की सदी में भी जात पात अमीरी गरीबी का घमंड लेकर हॉनर किलिंग के नाम पे बच्चों की जान ली जा रही है। मधुकर और विट्ठल जैसे जो आज इंसान अपने समाज में है उन्हें समझने की जरूरत है कि उन्हें बदलना होगा क्योंकि आज की जनरेशन उनकी पुरानी विचारधारा को मानने वाली नहीं। मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे नए केस में। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, मकसद बताना नहीं बचाना है। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।